पंडित सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का जीवन परिचय। परिचय: पंडित सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म सन 1911 ईस्वी में लाहौर के करतारपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित हीरानंद शास्त्री सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। जित का बार बार स्थानांतरण होने के कारण ओए जी को प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने फारसी और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया। लाहौर में इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। विज्ञान स्नातक होने के बाद जब वे एमए कर रहे थे तभी क्रांतिकारी षड्यंत्रों में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए और सन 1930 से 1934 ईस्वी तक कारागार में रहे। बाद में एक वर्ष इन्हें घर में ही नजरबंद रहना पड़ा। सन 1983 से 1946 ईस्वी में इन्होंने सेना में भर्ती होकर असम वर्मा सीमा पर और युद्ध समाप्त हो जाने पर पंजाब पश्चिमेतर सीमा पर एक सैनिक के रूप में सेवा की। सन 1995 ईस्वी में वे यूनेस्को की वृत्ति प्राप्त कर यूरोप चले गए। सन 1983 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन करके हिंदी वित्त में नवीन आंदोलन चलाया। इनके उपन्यास और कहानियां उच्च कोटि की हैं। पत्रकार के रूप में इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। वे प्रयोगवाद के प्रवक्तक तथा समर्थ साहित्यकार थे। वे बहुमुखी प्रतिमा के धनी थे। इनकी प्रतिमा गद्य क्षेत्र में नवीन प्रयोगों में दिखाई देती है। रचनाएं: सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने गद्य और पद्य दोनों विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। इनके प्रमुख काव्य रचनाएं हैं आंगन के पार द्वार, आरी ओ करुणा प्रभामय, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनु रौदे हुए से, बाबरी अहेरी, इत्यलम, कितनी नावों में कितनी बार, चिंता, पूर्वा, सुनहरी सवाल, पहले मैं सन्नाटे बुनता हूँ आदि। अज्ञेय जी की कीर्ति कितनी नावों में कितनी बार को 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त निबंध, समीक्षा, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि विविध गद्य विद्याओं में भी उन्होंने उच्च कोटि की रचनाएं लिखी हैं। इनके लेख प्रमुख उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी दो भाग, अपने अपने अजनबी, नदी के समीप। उनके दो निबंध संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं, पहला त्रिशंकु, दूसरा आत्मनिधेय पद। इसके अतिरिक्त जयदोल, विपथग, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी उनके कहानी संग्रह हैं। यात्रा वृतांत के रूप में उनके दो संग्रह प्रकाशित हुए, पहला अरे यारावर रहेगा याद और दूसरा एक बूंद साहसी उछली। अज्ञेय जी ने कई ग्रंथों एवं पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। सप्तकों की श्रृंखला में उन्होंने तार संपातक, दूसरा संपातक, तीसरा संपातक और चौथा संपातक का संपादन कर नए युग का सूत्रपात किया। नया प्रतीक नामक पत्र का संपादन भी अज्ञेय जी ने किया। आगरा में प्रकाशित होने वाले सैनिक नामक दैनिक समाचार पत्र के संपादकीय विभाग में भी वे रहे थे। कृतियां: अज्ञेय जी की प्रमुख कृतियां हैं निबंध संग्रह, त्रिशंकु, आत्मनिधेय पद, सब रंग और कुछ राग, लिखी कागर को ओर, अरे यायावर रहेगा यार, एक बूंद साहसी उछा, समीक्षा ग्रंथ, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, तार सप्तकों की भूमिकाएं, कहानी संग्रह, परंपरा, विपथगा, शरणार्थी, ज्योदल, कठोर की बात, तेरे ये प्रतिरूप, उमर वल्लरी, उपन्यास, नदी के द्वीप, सेखन, एक जीवनी,
अपने अपने अजनबी, नाटक, उत्तर प्रियदर्शी, काव्य आंगन के पार द्वारा आर ओ करुणा प्रभय हरिघास पर छड़ियार इंद्रधनुष रौदे हुए सुनहरे सहवाल बाबरा अहरी इत्यलम कितने नावों में कितनी बार पूर्वा। भाषा शैली कम से कम शब्दों के प्रयोग में अज्ञेय जी ने सटीक अर्थ प्रदान किया है। इनकी भाषा विषय प्रसंगनुयार बदलती रहती है। हैफ वे भाषा शिल्पी थी और वे सदैव जीवांत एवं संस्कृत भाषा प्रयोग के पक्षधार रहे। इनकी शैली विविध रूपिणी है। इनकी शैली के क्षेत्र में भी नवीन प्रयोग किए गए हैं। अज्ञेय जी ने नई कविता और प्रयोगवादी के जनक के रूप में ख्याति प्राप्त की है। वे हिंदी साहित्य के शीर्ष साहित्यकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एक युग प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में वे चिरस्मरणीय रहेंगे। पिताजी का सहयोग पिताजी के आग्रह से अन्य धर्मों के अन्य भी पढ़े और घर पर ही पिताजी के पुस्तकालयों का सदुपयोग शुरू किया। वर्षवर्धन टेनिस लांग फलो और बैडमिंटन की कविताएं इन अवधि में पढ़ी। शेक्सपियर मार्लो वेस्टर्न के नाटक तथा निटन जॉर्ज एलिट थैंकर गोल्डस्मिथ तलस्तियोन तुर्गवे गोगोल विक्टर ह्यूगो तथा मेलविल के उपन्यास भी पढ़े गए। लंबबंद भाषा के कारण टेनिसे का प्रभाव बड़ा गहरा पड़ा। टेनिसन के अनुकरण में अंग्रेजी में ढेरों कविताएं भी पढ़ी। उपन्यासकारों में ह्यूगो का प्रभाव विशेषकर उनकी रचनाएं टाइलर ऑफ द सी का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। इस अवधि में विश्वेश्वरनाथ रेऊ तथा गैरी चंद्र हरिश्चंद्र ओझा की हिंदी में लिखी हिंद इतिहास की रचनाएं पढ़ने को मिली तथा मीर तुलसी के साहित्य का अध्ययन भी इन्होंने किया। साहित्यिक कृतंत्व के नाम पर इस अवधि की देन है। आनंद बंधु जी इस परिवार की निजी पत्रिका थी। इस पत्रिका के समीक्षक थे हीरालाल जी और डॉक्टर मांगिल। इस अवधि में एक छोटा उपन्यास भी लिखा और इस अवधि में जब मैट्रिक की तैयारी में कर रहे थे माँ के साथ इन्होंने जलियांवाला बाग कांड की घटना के आसपास पंजाब की यात्रा की थी और अंग्रेज साम्राज्यवाद के विरुद्ध विद्रोह की भावना ने जन्म लिया था। इनके पिताजी स्वयं अंग्रेजों की अधीनता की चभन कभी कभी व्यक्त करते थे। लेखन में आगमन शास्त्री जी के पुराने मित्र राम बहादुर हीरालाल ही उनकी हिंदी भाषा की लिखाई की जांच करते। राखल दास के संपर्क में आने से बंगाल की पढ़ाई की जांच करते राखल दास के संपर्क में आने से बंगला सीखी और इसी अवधि में इंडियन प्रेस में छपी बाल रामायण बाल महाभारत बाल भोज इंदिरा बंकिम चंद्र जैसी पुस्तकें पढ़ी और पढ़ने को मिली और हीरा हरि नारायण आपटे सखल दास विनोदोपाध्याय के ऐतिहासिक उपन्यास इसी अवधि में पढ़े गए। 1921 से 25 तक अटंकमढ़ में रहे। यहाँ नीलगिरी की श्यामल उपन्यास ने बहुत अधिक प्रभाव डाला। 1921 में ओडीपी के मध्याचार के द्वारा इनका यज्ञोपति संस्कार हुआ। इसी पीठ के पंडित ने 6 माह तक संस्कृत और तमिल की शिक्षा दी। इस समय भोडंत से वित्स्यान में परिवर्तन भी हुआ जो प्राचीनतम संस्कारों के जमे उत्साह से जीने का एक संकल्प था। पिता ने संकीर्ण देशिका से ऊपर उठकर गोत्रनम का प्रचलन कराया। इस समय पहली बार गीता पढ़ी। देशभक्त के रूप में
क्रांतिकारियों के संपर्क में रहने के कारण इन्हें 4 वर्ष कारावास में तथा 2 वर्ष नजरबंद रहना पड़ा। इसी बीच इन्होंने 2 विवाह किए। कुछ समय तक अमेरिका में भारतीय साहित्य और संस्कृत के अध्यापक रहे। ये फिर जयपुर विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य तथा भाषा अनुशीलन विभाग के निदेशक रहे। अज्ञेय जी सैनिक, विशाल भारत, साप्ताहिक दिन मन, नया प्रतीक नामक पत्रिकाओं के संपादन से भी संबंध रहे। बहुमुखी प्रतिमा के धनी इस साहित्यकार का निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ। 1927 में लाहौर फॉरमेन कॉलेज में ये बीएससी में भर्ती हुए। इसी कॉलेज में नौजवान भारत सभा के संपर्क में आए और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के प्रमुख सदस्य आजाद सुखदेव और भरत भागवत चरण बोहरा से परिचय हुआ। इस कॉलेज में बीएससी तक तो ये सक्रिय रूप से क्रांतिकारी आंदोलन में प्रविष्ट नहीं हुए थे। यद्यपि 1929 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो अधिवेशन लाहौर में हुआ उसमें ये स्वयंसेवक अफसर के रूप में मौजूद थे। यही इन्हीं के स्वयंसेवक दल ने उन लोगों को जबरदस्ती स्वयंसेवक कैंपेन में बंद रखा था जो गांधी जी के उस प्रस्ताव का अप्रिय रूप में विरोध करने वाले थे जो उन्हें इरवान को बधाई देने के लिए रखा था। इसी स्वयंसेवक शिविर में कदाचित पहली बार कांग्रेस के मंच से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। अक्के जी स्वयं भारत के भक्त थे। इन्हीं के साथ टैगोर अध्ययन मंडली की स्थापना की और रिस्किन के सौंदर्य शास्त्र तथा आचरण शास्त्र का अध्ययन किया। कला क्षेत्र के बीच घूमते घूमते स्थानपत्य तथा शिल्प दोनों का राग बोध परिपक्व होता गया। दक्षिण के मंदिर और नीलगिरी के दृश्य ने उनके व्यक्तित्व में प्राकृतिक प्रेम और कला प्रेम को निखार दिया। मद्रास में सामाजिक विषमता की चेतना जागने लगी थी और जाति के विरुद्ध विद्रोह मन में इसी अवधि में उमड़ना शुरू हुआ। शास्त्री जी स्वयं जाति में विश्वास ना करके वर्ण में विश्वास करते थे और पत्रों में आशा करते थे कि ब्राह्मण वर्ग का स्वभाव, त्याग, अभिमान और सत्य उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। 1929 में बीएससी करके अंग्रेजी एमए में दाखिल हुए। इसी साल से वे क्रांतिकारी दल में भी रहे। प्रविष्ट हुए इनके साथ थे देवराज, कमल कृष्ण और वेद प्रकाश नंदा। कॉलेज में जिन 2 अध्यापकों ने सबसे अधिक इन्हें प्रभावित किया वे थे जे एम बिनेड और डैनियल। जे एम बिनेड ने तो इनके जेल जाने पर भी अपना स्नेह संबंध बनाए रखा। बिनेड ने ही, यद्यपि वे भौतिकी शास्त्र के अध्यापक थे, विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन की प्रेरणा दी। प्रोफेसर डैनियल ने इन्हें ब्राउनिंग की ओर विमुख किया। इनके क्रांतिकारी जीवन की अवधि 1929 से आरंभ होकर 1936 तक है। इस अवधि की अधिकांशता इतिहास देश के इतिहास से संबंध है। उसमें कहने की इन्होंने बातें हैं कि यहाँ उन पर विस्तार से विचार करना अनावश्यक है। घटनाक्रम कला यह है कि पहला कार्यक्रम इनका और इनके साथियों का भगत सिंह को छुड़ाने का हुआ। इसी बीच वे भगवती चरण बोहरा एक दुर्घटना में शहीद हुए और यह कार्यक्रम स्थगित हो गया। महत्वपूर्ण घटना। एक घटना भी ब्लैकस्टेन नामक अंग्रेजी अधिकारी के साथ घट चुकी थी। वह शास्त्री जी और रखालदास के साथ यात्रा कर रहा था। डिब्बे में रखालदास की पत्नी भी थी। वह स्नान कक्ष में अंतर्नग डिब्बे के भीतर आया। शास्त्री जी ने उससे पूछा, क्या इस रूप में तुम किसी अंग्रेजी महिला के सामने आ सकते थे? उत्तर में वह कुछ बोला नहीं, हंसता रहा। शास्त्री जी ने उठाकर डिब्बे से बाहर फेंक दिया। उसने अज्ञानी आजीवन शत्रुता निभाई। यहाँ तक कि पिता द्वारा किए गए इस अपमान का बदला पुत्र से चुकाया जब वे लाहौर किले में नजरबंद हुए। दूसरी घटना ऊटी में स्वयं सचिनानंद के साथ घटी थी जब वे 2-3 महीने अंग्रेजों के साथ स्कूल पढ़ने गए। वहाँ अंग्रेज लड़कों के मरम्मत करके ही इन्हें स्कूल में कार्ड मिला जिसे फेंक कर ये घर चले आए। 1925 में पंजाब से मैट्रिक
की प्राइवेट परीक्षा दी और उसी वर्ष इंटरमीडिएट साइंस पढ़ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिल हुए। यहाँ उन्होंने गणित, भौतिकी शास्त्र और संस्कृत विषय लिए थे। यहाँ इनके अंग्रेजी अफसर हेडसरन ने जिन्हें त्रिशंकु समर्पित की गई साहित्य के अध्ययन की प्रेरणा दी। हिंदी साहित्य में स्थान। ये प्रतिभा संपन्न समर्थ कवि हैं। अज्ञेय जी ने हिंदी कविता का नव संस्कार किया, उसे नई भाषा, नया रूप और नया मान विधान दिया है। भाषा को नया स्वरूप देने के साथ साथ अज्ञेय ने उसका संस्कार किया है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में इनकी प्रतिभा साहित्य के क्षेत्र में सदैव स्मरणीय रहेगी। शिल्प की तूतन उपकरणों की ओर कवियों का ध्यान आकृष्ट करने वाले प्रयोगधर्मी कवि के रूप में हिंदी साहित्य उनकी चीर ऋणी रहेगी। नई कविता की शिल्पगत आधुनिकता को संवारने में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का सर्वाधिक योगदान है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में वे हिंदी साहित्य में सदैव स्मरणीय किए जाएंगे। धन्यवाद।